या होता था एक दूनी दूनी दो दूनी दूनी चार चार डेट वाज एवरीबॉडीज कैरियर स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। नमस्कार दोस्तों, मैं टोडा अपना इसके सक्सेस का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं टोडा अपना स्किल सक्सेना दा आज तक आमने सामने देख रहे सारे दर्शकों ने फिर तो प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अज गल करांगे यादां ताजियां किवें कीतियां डुईयां कमीशन साडे प्रदीप कुमार सबरवाल जी कहना ताजी कितने अपने मित्रां दे नाल अपने बचपन के स्कूल विच जाके औखी की गल्लां कीतियां किवें किवें अपनी जो बचपन नूं याद करके किन्ना किन्ने दी तारीफ कीती आओ जानदे दोस्तों डुईयां कमीशन साडे श्री प्रदीप कुमार सबरवाल साहब जी। कमिश्नर साहब के यहाँ मौजूद है सर, आप ये बताइए कि आज आपने कहाँ कहाँ विजिट किया और कहाँ कहाँ विजिट करना सर? सर आज मेरी जिंदगी का मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ का डे है जब मैं अपने प्राइमरी स्कूल साईंदास एंग्लो संस्कृत स्कूल अली मोहल्ला में आया हूँ। यहाँ ये वो स्कूल है, यहाँ मैंने अपनी क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक यहाँ तक पढ़ा हूँ और मैं इस इंस्टीट्यूशन को आज जो मेरा मदर इंस्टीट्यूशन है इसको मैं आज नतमस्तक होने के लिए आया हूँ, इसको मैं श्रद्धा के साथ प्रणाम करने के लिए आया हूँ और मैं प्रिंसिपल साहब चाहे वे वो मेरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, यहाँ कमेटी के मेम्बर सहदेव साहब हैं जो दिल्ली से स्पेशली आए हैं डीवी मैनेजमेंट कमेटी के, और सारे टीचर साहबान यहाँ के हेड टीचर और बाकी टीचर साहबान इन सभी को नतमस्तक होने के लिए आया हूँ। इनके आशीर्वाद से ही जो आज जहाँ भी जो भी मैं यहाँ खड़ा हूँ इनकी बदौलत है, मैं अपने इंस्टीट्यूशन की बदौलत है और जो मेरे जिंदगी के जीवन के जो फाउंडेशंस यहाँ से शुरू हुई है, तो इसलिए मेरे मन में बहुत इच्छा थी मैं अपने स्कूल में जाऊं और वहां जाकर सभी को नतमस्तक हूं, सभी से आशीर्वाद लूं और मेरे दोस्त सारी टीम मेरे दोस्तों की वो भी यहां आई है
चाहे मैं कीमती की बात कर लूँ, चाहे विपन जी की बात कर लूँ, अशोक जी की बात कर लूँ, नार साहब की बात कर लूँ, सारे टीम मेंबर जहाँ आए हुए हैं, ठीक है, मैं उनको भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो बता नहीं सकता इस ज़िंदगी में इससे इम्पोर्टेंट डे ना कभी आया था ना कभी आएगा। सर आपने बोला सब्जेक्ट आपके दो बहुत फेवरेट हैं, पहला तो एक मैथ है, दूसरा पॉलिटिकल, तो आपने पॉलिटिकल लाइन में क्यों नहीं कदम रखा, यहाँ इसी ऑफिस में लैंड करा? अरे यार देखो, मैं अपनी जब मैं यहाँ से अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गया, साइंदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो वहाँ मैंने तब पॉलिटिकल साइंस को, जो जब तक हायर सेकेंडरी में पढ़ते थे तो वहाँ सिविक्स बोलते थे, तो हमारे खुराना साहब वहाँ होते थे, मैं वहाँ से सिविक्स पढ़ा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब हम डीएवी कॉलेज में चले गए ग्रेजुएशन करने के लिए तो वहाँ पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है ना। डेफिनेटली जो आपने सेवा करनी है, चाहे पॉलिटिक्स में कर लो चाहे ब्यूरोक्रेसी में कर लो, ये तो एक भगवान की कृपा है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उनकी कृपा से ये अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को, लोगों की हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ठीक है जो सेवा हो रही है बहुत अच्छी हम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं गरीब लोगों का मैक्सिमम से मैक्सिमम, उनको जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकें उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को सरकार की नीतियों में रहते हुए उनको उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको पता ही है जैसे हमारे सीएम साहब बहुत इस संबंध में कर रहे हैं, वे जो, तो इसलिए डेफिनेटली हम इनसे भी बातों के लिए। चलते चलते एक सवाल हो रहा है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट तो आपने रखा था, ये सबसे बड़ी बात है, आप लाइक भी करते पसंद भी करते थे, रिटायरमेंट के बाद क्या आप पॉलिटिकल लाइन में जाने का सोचेंगे कुछ? अरे सर ये तो डेस्टिनी परमात्मा डिसाइड करता है, दिस थिंग्स आर नॉट यू इन योर हैंड्स, व्हाट एवर गॉड डिसाइड्स आई विल डू दैट। क्या कहते ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो मेरे कहने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ये तो उसके हाथ में है। आपके साथ कौन कौन से शिक्षित जो मौजूद आपके साथ, जो आपके पुराने मित्र भी हैं? हाँ पुराने मित्र, मैंने पहले बताया मेरा दोस्त कीमती लाल, माई चाइल्डहुड फ्रेंड ही इज़ देयर, अशोक जी हैं, विपन जी हैं, ठीक है, नार साहब हैं, सारी टीम ही यहाँ है, मतलब ठीक है ना, आई एम सो ग्रेटफुल टू देम, इनका भी मैं बहुत बार रखता हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मेरे से पहले पूछे होते हैं, एंड मुझे कोई पता नहीं था टुडे दे आर गोइंग टू बी हियर, नाइदर आई हैव इनफॉर्म्ड देम, तो ये तो इनकी कृपा है, ठीक है जी। संदेश क्या है सर आपके जो बच्चे यहाँ स्टडी कर रहे हैं, उनको आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं, खूब पढ़ो खूब खेलो, मन में कोई परेशानी नहीं लानी है, मन में कोई टेंशन नहीं लेनी है, और जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनके साथ ही आगे बढ़ो, और ज़िंदगी में सफलता आपके कदम चूमेगी, डेट इज़ डेड श्योर। सबसे पहले कौन सा पढ़ा आपने, मैथ बोला ना, कौन सा पढ़ा आपने पढ़ना शुरू किया था? पढ़ना यही पता यही पहाड़ा एक सर आपके जो हाँ बिल्कुल वहाँ पहाड़ा जहाँ पर कड़े पर पढ़ते थे, जहाँ होता था एक दूनी दूनी दो दूनी चार, डेट वॉज एवरीबॉडीज कैरियर स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, ही मे गो टू एनी इंस्टीट्यूशन, तो ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती, तो मेरी ज़िंदगी तो इस इंस्टीट्यूशन ने बनाई है, मैं जो हूँ, मैं मेरा परिवार सारा डीएवी इंस्टीट्यूशन का हमेशा ऋणी रहेगा, हम हमेशा ही उनका आभार व्यक्त करते रहेंगे, इसीलिए मैंने एक देखा मैंने एक अपने माता पिता के नाम पर हमने यहाँ एक स्कॉलरशिप भी किया 25,000 एवरी ईयर, जो मेधावी स्टूडेंट हो गए वो प्रिंसिपल साहब टीम बना लेंगे, वो डिसाइड करेंगे, और इनको मैं 3 साल के पैसे भेज रहा हूँ, आज या कल इनको चेक मिल जाएगा, ठीक है ना जी। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप देखते हैं कि यहाँ पर आज रिश्वेश साहब यहाँ स्कूल में आए, स्कूल में बहुत है, बच्चों से मिले, बच्चों से बातचीत की, बच्चों ने किस किस तरीके से अपना प्रोग्राम दिखाया यहाँ पर, मैं
आपकी तरह बनने क्या करना पड़ेगा? अरे सर, पहले मेरी तरह बनने के लिए सिर्फ एक पढ़ाई और खेलने दौड़ पढ़ना है अपने पास, ठीक है। जो कई बार जो एक हमारे प्रिय बेटे ने बात की थी उसको कम, तो ऐसी बात बन के सोच रही है। अगर किसी चीज़ की जरूरत है उस पर तो बैठे आपको इसकी चिंता नहीं करनी, ठीक है ना। जो मैंने बार बार बच्चों को पूरा रिपीट बार बार वही बातें कर रहा हूँ, पहले होमवर्क करना है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करना है, आपने खेलना है, ठीक है। साउंड स्लीप लेनी है, मोबाइल नहीं देखना है, ठीक है। देखते हो मोबाइल ऐसे तो दूर हो जाए यार, ठीक हो तो तुम बहुत बड़ा उम्र बढ़ेगा। और आप इतने बड़े आदमी बन गए, आपको क्या फील होता है? अरे सर ये आप बड़ा आदमी को कह रहे हो, मैं तो यार ऐसी बात होती है, मैं आपके बीच में क्यों आया हूँ, यही फील लेने का आया हूँ। तो आप कैसे महसूस करते हैं यहाँ, आप कैसे, आपको यहाँ लगता है, आपको यहाँ कैसे लगता है? अच्छा लगता ना, तो तुम मेरी बात छोड़ो, तुम मेरे से बहुत बड़े ऑफिसर बनो और तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। सिर्फ एक ही बात, मैं जब बार बार रिपीट नहीं करने चाहती, होमवर्क करना है, टीचर जो कहे उनकी बात माननी है, माता पिता का कहना मानना और खेलना है, ठीक है। कल अकेली पढ़ाई भी नहीं करी, तुम्हारा हुक्म किसान हमें मन करता था खिलाता था नहीं खिलाता, ठीक है ना। जी सबसे ज़्यादा आपको खेल कौन सा पसंद है जब पहले आप खेलते थे? सर हमें जब यहाँ खेलते थे तो यहाँ होते था, एक तो हम लाठू से खेलते टिप्पू गर्म जिसको कहते, ठीक है। एक बॉल होती थी, वो ईंटें होती थी उनको रख लेते थे, एक होता था रुमाल को खाना रुमाल बन जाता, ठीक है। एक हम और क्या खेलते थे, यहाँ हमें स्कूल के टीचर क्या खिलाते थे, वो खिलाते थे हमें कभी जो होती नहीं म्यूजिकल चेयर, वो चेयर लगा देते थे उसमें बैठना, वो कभी कभार होता था, ठीक है ना। ये हमें स्कूल में खिलाते थे, तब तो हमें यही पसंद था। और घर जाकर हम क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राउंड स्कूल का नहीं था तो तब हमें क्रिकेट खेलता था। ये तो क्रिकेट ही है मेरे को लग रहा, क्रिकेट। अरे सर हम आपके लगाएंगे, यहाँ से स्कूल तक का सफर आपका कैसा रहा? वंडरफुल, जिंदगी को बहुत इंजॉय किया है। जब क्योंकि अल्टीमेटली क्या है बात बेटे, एक ही है, ये आपके फाउंडेशन स्टोन है, ये स्कूल आपके लिए जो आपकी नींव है इस स्कूल ने डालनी है, ठीक है ना। तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया और मैं अपने स्कूल को कभी भूला नहीं, अपने इंस्टीट्यूशन को कभी भूला नहीं, डीएवी मैनेजमेंट कमेटी को मैं कभी भूला नहीं, ठीक है। इनको Thank you.
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੱਲ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਸ ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਆਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ।